बहुत पोलाइट रहिए, पेरेंट्स से बहुत पोलाइट रहिए, बहुत उम्मीदें उनकी आपसे बंधी हुई हैं बहुत ज़्यादा। अब जो सपने खुद वो पूरे नहीं कर पाते हैं, वो आपके अंदर अपने बच्चों के अंदर वो देखते हैं, तो उनकी उम्मीदों को मत ज़ाया करिए। हर दिन उन्हें लगना चाहिए कि ये जो लौ हमने जलाई है हर दिन बढ़ती जा रही है और एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होने वाले और आपसे ज़्यादा खुश होने वाले पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही हैं। बाकी फ्रेंडशिप ट्रू भी होती है, फेक भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ फिर कामयाबी आती है तो दोस्ती में फिर जलने वाले दोस्त पैदा हो जाते हैं, जलन आ जाती है, जेलसी आ जाती है। तो माँ बाप और गुरु ही एक ऐसा रिश्ता है, गुरु और माँ बाप ही समझ लीजिए एक ऐसा रिश्ता है। ये दो ही लोग हैं दुनिया में जिनसे आगे आप निकलते हैं तो वो खुश होते हैं, वरना दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अपने से आगे निकलते हुए देखे और खुश हो जाए। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि चैप्टर की सोल को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किताबों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो आपने देखी ही होगी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। बहुत मुश्किल है समझने में जितना किताब में इजी दिखाया हुआ है, और इसका कॉन्सेप्ट भी अगर हम पीछे का देखें तो 10th क्लास के बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th में जाके क्लियर होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो वोल्टेज वाला चैप्टर पढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है, लेकिन पोटेंशियल वर्ड जो आप क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgH होता था, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो ये वर्ड पोटेंशियल कहाँ से आया? और एक बात और बताऊं, ये जो हमने करंट पहले पढ़ ली है, लेकिन करंट पहले कभी दुनिया में नहीं आ सकती जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा। विदाउट वोल्टेज करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता, ओम्स लॉ ने तो समझाया था ये। वोल्टेज अगर जीरो है तो करंट जीरो है, हम बोलते हैं ना 1000 वोल्ट तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं एक वायर ले लीजिए और यहां पे भी 1000 वोल्ट कर दीजिए और यहां पे भी 1000 वोल्ट कर दीजिए, इस पॉइंट पे 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दीजिए और इस पॉइंट पर भी 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दीजिए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? जीरो। इस पे तुम खेलो कूदो, इसको पकड़ के लटक जाओ, करंट ही नहीं लगेगा जबकि 1000 वोल्ट में है दोनों पॉइंट। तुम तो कहोगे कि बहुत ज्यादा करंट लग सकता है। इन्हीं बातों को समझने के लिए जो क्लास 10 में समझ में नहीं आती हैं, तो आज हम आपके सामने लेक्चर 2 लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दोनों टर्म पर PhD करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, और करंट ही नहीं कोई भी चीज़ दुनिया में फ्लो कब करती है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बच्चों अमेजिंग लेक्चर जो बहुत मज़ेदार होने वाला यकीनन, और अंडरस्टैंडिंग देखिएगा इससे कहाँ पहुँचेगी। रट के तो सभी पढ़ रहे हैं, सब हर बच्चे रट के ही पढ़ रहे हैं, और ये वाकई में बोल रहा हूँ मैं, ये टॉपिक शायद ही 100 में से क्लास 10th की बात कर रहा हूँ 10 बच्चों को समझ आया होगा, सबने रट लिया है। तो ऐसा करके मैं बात करता हूँ कि मैं पहले एक सिलेंडर ले लेता हूँ। अब आप भूल जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वर्ड अभी भूल जाइए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बेटा एक सिलेंडर ले लिया और एक दूसरा सिलेंडर ये ले लिया, डायमीटर अलग अलग हो सकते हैं। इस सिलेंडर को मैंने यहाँ तक पानी या किसी फ्लूइड से भर लिया और इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें भी मैंने इसके लेवल के बराबर पानी भर दिया। अब बताइए पानी ए सिलेंडर से बी सिलेंडर में जाएगा या बी से ए में आएगा? तो आप ऐसा करके भी देख लीजिएगा। अभी आप कहोगे सर कि प्रेशर दोनों में बराबर है, ये भी आप क्लास 11 पढ़ेंगे या 9th में पढ़ के आए होंगे। फ्लूड कॉलम में अगर आप एच हाइट के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो गेज प्रेशर होता है, यानी कि यहां पर अगर मैं हूं तो ये प्रेशर होता है, अगर मैं पी से डिनोट कर लूं इसको, तो रो जी एच, यानी कि रो हो गई फ्लूड की डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गई हाइट। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये क्या डिस्कशन हो रहा है, फ्लूड मैंने दोनों सेम ले रखे हैं बेटा, फ्लूड दोनों सेम है यानी कि डेंसिटी दोनों की बराबर है, हाइट अगर दोनों पे जाएंगे यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये नहीं कि ऊपर ज्यादा पानी है तो इसमें प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, यानी कि आप इसको पतला कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट मुझसे वो बड़ी डायमीटर का बन गया, दोनों सेम बन गया।
ऐसी बात नहीं। अब आप सोचिए इसमें ज्यादा पानी, इसमें कम पानी है, तो इस वाले में पानी चला जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि फिलो, जो पानी का फिलो है वो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है फ्री सरफेस से। क्लियर हुई बात ये, यानी कि पानी फ्लो नहीं करेगा। और जैसे इवन समझ लीजिए मैं इसका लेवल कम कर देता हूं, इसका डायमीटर ज्यादा हो सकता है, पानी अभी भी मतलब लेवल में कम है लेकिन वॉल्यूम में हो सकता है इसके बराबर ही हो अभी पानी, लेकिन इसमें से इसमें आना फ्लो कर देगा पानी स्टार्ट, क्योंकि इसकी हाइट मान लीजिए एच वन है और इसकी हाइट एच टू है, तो यहां पर एच टू लेस देन है एच वन से। बेटा समझ लेना, सुन लेना, रट के तो सब पढ़ ही रहे हो यार, तो एक बात समझ भी लो फ्री। तो यानी कि यहां पर हाइट में डिफरेंस हो गया, चलो उसको डेल्टा एच बोल ले रहे हैं, कितना डिफरेंस आया, तो आप कहोगे सर एच वन माइनस एच टू, ये हाइट ज्यादा है ये कम है, तो यहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर होता है मैंने अभी आपको बताया, नहीं बताया तो पढ़ लीजिए, रोजी एच, यहां रोजी एच वन लगा दिया और ये रोजी एच टू लगा दिया, रो सेम है जी सेम है, इधर भी रो सेम है जी सेम है, इसका एच वन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो पानी का फिलो इधर होना शुरू हो जाएगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। बहुत सीरियस हूं आज मैं, समझ आ रही बात, ध्यान से सुनो यार, ये टॉपिक ही ऐसा है। तो हुआ कुछ यूं, यानी कि पानी का फिलो तब तक नहीं हो सकता अंटिल अनलेस देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स, तब तक कोई पानी फिलो नहीं करेगा जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। अब जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस हुआ तो पानी याद रखना किधर से किधर गया, यहां पे लिख दे रहा हूं, हायर से लोअर की तरफ गया है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। क्लियर हो रही है बात, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी का फ्लो होने लगा, यानी कि करंट बहने लगी। बोले अरे कौन सी करंट है भाई साहब, किसी भी चीज का फ्लो करंट कहते हैं, तो ये वाटर करंट हो गई, यानी कि वाटर करंट तब तक फ्लो नहीं हो सकती जब तक प्रेशर का डिफरेंस ना हो, इलेक्ट्रिक करंट भी तब तक फ्लो नहीं हो सकती जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। अरे सर कुछ तो कनेक्ट हुई है बात, होगी अभी पूरी होगी, इस बात को समझ में आया, यानी कि दुनिया में किसी भी चीज का फिलो यार कंसेंट्रेशन के उसी पे होता है ना, अगर बायोलॉजी में चले जाओ तो वो ऑस्मोसिस याद होगा आपको, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर जाता है। हाँ ये बात अभी देखो ध्यान से सुनो, तो ये बात हमने क्लियर कर ली, एक केस हमने पढ़ लिया, सुनने में क्या जा रहा है यार, स्पीड बढ़ा के देख लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो, नहीं समझ में आए ईजी लगे तो स्पीड बढ़ा लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, तो पता ही चला वाटर करंट तब फिलो होगी व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, ठीक है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं इसको, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी का फिलो होगा, ये बात याद रख लेना ठीक है। अच्छा बचपन में सुनी थी बात, गरम चाय का कप, कोचिंग में पढ़ाता हूं तो बैच में घर से क्या होता है चाय आती है मेरे डेली, बच्चे नजर मारते हैं यार कप पे हमारे, चाय आ गई, मेरा डोर नॉक होता है क्लास का, तुरंत बच्चे समझ जाते हैं चाय आ गई सर की, साथ में नमकीन भी आ जाती है कभी कभी। चलिए तो अब मान लीजिए जो चाय का टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, मान लो चाय मेरी आई है 80 या 70 डिग्री सेल्सियस पे चाय आ गई, मान लो चलो हटाओ 70 डिग्री सेल्सियस पे चाय मुझे पहुंची मेरे क्लास के अंदर, जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा था उसका जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर था, बाहर एटमोस्फेयर में जो टेम्परेचर था वो मान लो 26 डिग्री सेल्सियस था, या मान लो चलो 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो अब ये बताओ चाय का कप रखे रखे ठंडा हो जाता है, एक दिन गर्मी में पढ़ा रहा था, आई कोल्ड ड्रिंक घर से, कोक आ गई, कोक थी ठंडी, मैं पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक में निकल गया, मैं भूल गया, वो पड़ गया गर्म। अब मैंने एक सवाल पूछा था बच्चों से कि गर्म चाय की प्याली जो है, गर्म चाय की प्याली हो नहीं, गर्म चाय की प्याली हो हाथों से पिलाने वाली हो, नहीं नहीं वो वाला अपने ही हाथों से पियो मजा आया, ठीक है, तो क्या हुआ गर्म चाय की प्याली जो थी वो तो ठंडी हो जा रही है, और जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक है वो गर्म पड़ जा रही है, चक्कर क्या है, चक्कर यहाँ समझ में आएगा, बेसिक सी बात है, 8th क्लास का सवाल है, चक्कर ही समझ में आएगा, इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हुआ टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे था प्रेशर डिफरेंस, वाटर करंट के लिए क्या चाहिए था हमें, वाटर करंट के लिए हमें चाहिए प्रेशर डिफरेंस, कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रोजी एच वन से रोजी एच टू, हाइट में जितना डिफरेंस होगा उतना तेज पानी फिलो करेगा, और जब दोनों टैंकों का पानी बराबर हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा, फिलो रुक जाएगा,
क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर आ जाएंगे, एक ही प्रेशर पर। जब तक हायर और लोअर मेंटेन रहेगा, पानी का फ्लो चलता रहेगा। इसी तरीके से बच्चों, ये कप है मेरा 70 डिग्री सेल्सियस पर हायर वाला, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो हम डिफरेंस निकाल देना हायर क्लास में पढ़ेंगे, डेल्टा टी से निकाल देते हैं चेंज इन टेम्परेचर, हो जाएगा सर T1 माइनस T2 अपना T2, तो 70 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 45 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया, यानी कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में और इस कप के टेम्परेचर में 45 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो खुद में खुद अब पता है फ्लो किसका होगा, अब भी करंट फ्लो होगी, बताओ कौन सी करंट फ्लो होगी, जल्दी बोल दो, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा कौन सी करंट फ्लो होगी, हीट करंट, हीट का फ्लो, हीट करंट, पानी का फ्लो वाटर करंट, एयर का फ्लो एयर करंट विंड, सही है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ रहा, कुछ कुछ तो आ रहा है। अब उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाके कैसे लिंक करोगे, हम हैं तुम वहां से देखो लिंक हो जाएगा। तो भैया ये हो गया कप, हो गया 70 डिग्री सेल्सियस पे, समझने वाली बात है, तो वो एटमॉस्फेयर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये हमारा डिफरेंस आ गया 45 डिग्री सेल्सियस का, हीट अपने आप कप में से निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लगी, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है तो वो कप की कितनी हीट निकली होगी एटमॉस्फेयर को, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी क्रिएट कर देगी, ये तब तक फिल होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो एटमॉस्फेयर कितना, एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, तो कप भी 25 डिग्री सेल्सियस पे आकर रुक जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा चाय कैसी हो जाएगी, ठंडी, यानी कि हीट करंट तभी फ्लो करेगी जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, और वो भी हीट किधर से किधर जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, यही वाला केस आ गया, हायर से लोअर, दो निशान बना दिए हमने, एक पानी का बना दिया और एक हमने हीट का बना दिया, दो बातें पता चली, पानी तब फ्लो करेगा जब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी जाएगा तब तक जब तक उनका प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, जैसे ही प्रेशर बराबर रखोगे पानी फ्लो नहीं करेगा। हीट का फ्लो कब होगा, जब एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे होगी और दूसरा जो उसके बॉडी कनेक्ट में है वो लोअर टेम्परेचर पे होगी, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है हीट का फ्लो नहीं होगा, ना एक बॉडी से दूसरी में हीट आएगी ना दूसरी से पहली में जा सकती है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं, समझ में तो आई है, ठीक बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा तो ये पानी का फ्लो, फिर करंट का फ्लो कैसे हो सकता है, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और एक जगह इलेक्ट्रॉन कम हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम वाली की तरफ जाएंगे। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस भाई सही कुछ है। अब एक बात मैं और बता रहा हूं, ये जो पोटेंशियल वर्ड आया ये कहां से आया, और वो जो एनर्जी, पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी होती है, समझेंगे आप। ये ग्राउंड पे बॉडी रखी हुई है मेरे पास, अब एनर्जी का भी गेम सुन लो, दो बातें समझनी पड़ेंगी, एक तो ये तुम्हें डिफरेंस का गेम समझ में आ गया होगा, इस बॉडी का मास एम है, ये अभी ग्राउंड लाइन पे रखी हुई, यानी कि इसकी हाइट अभी क्या है, जीरो, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्लास 9th, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ ले, MGH मास ग्रेविटी, हाइट है जीरो, हाइट ग्राउंड लाइन से लेते हैं क्योंकि ग्राउंड लाइन पर हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसी तरीके से हम मानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इनफाइनाइट पे जीरो होता है, तो वो इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट बहुत तगड़ी चीज है समझने के लिए, क्लास 12 में समझाई जाएंगी आपको, तो ग्राउंड लाइन से शुरू करेंगे क्योंकि ग्राउंड लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हाइट जीरो है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो होता है, पूछते हैं ना इनफाइनाइट क्यों लिया यार, इनफाइनाइट तो पता भी नहीं कहा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो 10th क्लास के बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है बात समझनी, कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, तगड़ी बात है यार वो। चलो सुनिए अब इसको ऊपर ले गया मैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स इसमें नीचे काम कर रहा है mg, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट मैंने काम करके इसको यहां पर ले गया h हाइट पर, तो इसकी एनर्जी h हाइट पर कितनी आ जाएगी, मास ग्रेविटी हाइट mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, मैंने उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, और वो वर्क, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सुनते रहना एक एक पॉइंट को ध्यान से, बिल्कुल छपे हुए पर्चे निकलेंगे माइंड में से, समझ रहे, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो मैंने इस ग्रेविटेशनल अगेंस्ट के, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, वो वर्क इसमें एनर्जी बन के स्टोर हो गया, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी खर्च की वर्क करने में, और एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो दुनिया में कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट अगर आप वर्क करें तो वो वर्क एनर्जी बनके स्टोर हो जाएगा, और उन फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है ये, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो मैंने आपको बताया था मान लीजिए प्लस चार्ज है पिछले वाले लेक्चर में, तो इधर से बाहर की तरफ जो लाइनें निकलती हैं
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जहां तक ये लाइन जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और इनफाइनाइट पे जाके इसका असर बहुत कम हो जाएगा, जीरो, तो वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। क्लियर आ रही बात समझ में? अब इसको लिंक करूंगा मैं अभी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी में, सुनते रहिएगा ध्यान से। तो अगर हम इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वर्क उसमें एनर्जी बन के स्टोर हो जा रहा है, और उस एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, मास ग्रेविटी हाइट mgh, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9, फोर्स कितना लगाया mg, मतलब वेट बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट हो गई h, mgh वर्क इसमें स्टोर हो गया। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, अब थोड़ा अभी समझना पड़ेगा चीजों को क्योंकि क्लास 11 में बहुत डिटेल में पड़ेगा, तो अभी ऐसा करके समझ लीजिए, एक ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। सर थोड़ा सा एग्जांपल और दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स का। बिल्कुल दे रहे हैं, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ये मास बन लो, स्प्रिंग को खींच लो यहां से लेके यहां पे ले आओ, तो तुमने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा ऐसे करके, स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग यहां लिया है, छोड़ दो, वापस वहीं पहुंच जाएगा। छोड़ने पे वापस वहीं क्यों पहुंच रहा है, वापस जाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, और बहुत तेज से जाएगा, वो एनर्जी कहां से आई, क्योंकि हमने जितना इसके अगेंस्ट वर्क किया था, क्योंकि इसका स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, हमने इसको आगे खींचा, तो स्प्रिंग का फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जितना मैंने इसको ताकत ला के खींचा वो एनर्जी बनकर इसमें स्टोर हो गया, छोड़ दो, वो गुलेल नहीं होती, गुलेल वो ऐसे करके छोड़ते हैं, समझ गए ना, ऐसे करके कुछ उसमें रबड़ के पट्टे पड़े होते हैं, यूं करके ऐसे खींचते हैं यूं करके, तो वो इलास्टिक, जो भी जितनी भी चीजें इलास्टिक नेचर में है वो सब कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स भी। तो आप जब उसे खींचते हो यानी कि आप वर्क करते हो, वो वर्क उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। वो बचपन में गाड़ी आती थी, वो उसका स्प्रिंग होता था ऐसा करके, गाड़ी ऐसा करके ऐसा करके, वो चाबी उसमें लगती थी, इस शेप की चाबी होती थी, चाबी देखो कुछ, यार बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा मसला, कुछ इस तरीके से वो चाबी होती थी, वो चाबी उसमें लगाते थे, स्प्रिंग को घुमाते थे, वर्क हुआ, वो वर्क उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो गया, जैसे हम उसको छोड़ते थे वापस अपनी पोजीशन पहुंच जाता था, स्प्रिंग घूमता था और गाड़ी आगे चली जाती थी, इस बॉल को छोड़ दो यहां से वापस नीचे गिर जाएगी, जितनी एनर्जी थी वो लूज कर देगी, यानी कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रही है ये, वापस अपने रास्ते में एनर्जी लूज कर देगी, इवन लूज नहीं कर देगी, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, सही है ना। अब वो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे, तो 10 क्लास के लेवल पे इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए, दो बातें कि अगर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसी चार्ज की वजह से आती है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर हम उसके अगेंस्ट वर्क करें तो क्या होगा, तो वो उसमें एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा, और करंट का फ्लो या किसी भी चीज का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब वापस मेन बात पे आ रहा हूं, जल्दी से सुन लो बेटा, ये कोई चार्ज है मेन चार्ज क्यू पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी वजह से अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यानी कि ये लाइन है, मान लो ये पॉइंट इनफाइनाइट है, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, ये अपना क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सारे, इधर मैंने एक चार्ज ले लिया जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू है क्यू नॉट, कितनी वैल्यू है क्यू नॉट, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को फिजिक्स में कहा जाता है टेस्ट चार्ज, ताकि इसका कोई खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, बहुत ज्यादा डिटेल में बात हो जाएगी, ऐसा करके सुन लो, पहले सुन लो बात को। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही बात, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेरी गुड, ध्यान से सुनना, अभी इसी बात को मैं सिंपल कर ले रहा हूं एक लाइन में, ये कोई चार्ज है क्यू प्लस मेन चार्ज, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जनरेट हो रहा है, कहां तक, इनफाइनाइट तक, मैंने एक चार्ज क्यू नॉट जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिलहाल क्यू नॉट से अभी इसको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे ये क्यू नॉट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, ये इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, रिपेल हो कि भाई तू दूर जा, तू भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, रिपेल मारेगा, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है लेकिन हम फिर भी चढ़ जाते हैं छत पे, क्योंकि हमें कुछ क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क करते हैं, वही वर्क हमारे अंदर एनर्जी बनकर स्टोर होता है, यस। तो इस चार्ज को मैंने यहां से उठा उठा के ऐसा करके धक्का देके 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 ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूं
करके, हाँ वो वर्क डन जो है सोर्स कर आता है। यहां से इसको यहां ले आया ए पॉइंट पर। अब मुझे ये बताओ इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा कि नहीं? हाँ सर हुआ होगा, वर्क डन पर यूनिट। अब ये चार्ज दो कूलम भी हो सकता है, तुम कह रहे हो सर एक ही कूलम क्यों लिया, वो तो डेफिनेशन में है ना, समझाएं? जैसे करंट का फॉर्मूला कल क्या पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, क्या पढ़ाया जल्दी बताइए, चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम एक सेकंड ही क्यों ले रहे थे, दो सेकंड भी आता था, दो से डिवाइड कर देते थे, एक सेकंड में कितनी करंट फ्लो हो जाए। तो एक कूलम चार्ज पे हम जितना वर्क करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। पांच कूलम पे अगर आपने 10 किया है तो एक कूलम पे कितना हो जाएगा, 2 जूल। तो ध्यान से सुनेंगे, तो यहां से इसको मैं यहां पे उठा के ले आया और यहां से यहां तक लाने में मैंने वर्क किया डब्ल्यू ए। क्लियर? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी ग्राउंड लाइन है। अभी मैंने बताया था ग्राउंड पे कोई बॉल रखी थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। ऐसे ही जब कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखा जाता है, एजम्पशन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट तक जाती है और इनफाइनाइट पे उनकी जो वैल्यू है मतलब उनका पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। 10th क्लास के लेवल पे क्या समझोगे फाउंडेशन? तभी तो नाम दे रहा हूं यार, एनटीएसी कैसे निकालोगे, फाउंडेशन क्यों नाम दे रहा हूं मैं इस लेक्चर को, समझना तो पड़ेगा। सही है बेटा, चलो आ रही है वीडियो, आ तो रही है। तो ठीक है, यहां तक बात हो गई हमारी। तो हमने यहां तक चार्ज को लेकर हमने वर्क किया डब्ल्यू ए। तो बताओ अब मान लो तो कितना वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे कितना हो गया डब्ल्यू ए, नहीं आई बात समझ में? देखो सुनो, जितना वर्क डन हमने किया वो वर्क डन इसमें क्या बन के स्टोर हो गया, एनर्जी। अब इस चार्ज को अगर मैं यहां पे छोड़ूं जूम से वहीं भाग जाएगा और जब चार्ज फ्लो करेगा बॉल को ऊपर ले जाके छोड़ रहा था, कहां जा रही थी, वापस नीचे। तो चार्ज को मैं यहां पे ले गया, एनर्जी आ गई क्योंकि मैंने इसके अगेंस्ट वर्क किया, ये इसको दूर भगा रहा था ना, छोड़ दूं तो कहां जाके रुकेगा, बिल्कुल जीरो पे। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या आएगी, करंट, आ गई करंट, ऐसे करके आइए। लेकिन अब तुमको सर नहीं एक कूलम क्यों, चलो मान लो कितना लेके आए 5 कूलम, कितना वर्क किया सर 50 जूल, बताओ एक कूलम पे कितना हुआ होगा। सो सर 50 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज 10। फॉर्मूला टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में, कोचिंग में क्या पढ़ाया सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू। अरे बिना फॉर्मूला पढ़ाए कुछ ऐसा ही सेंस बन गया, बन गया भाई साहब, बन गया बन गया बन गया, दिमाग का ताला खुल जाएगा अगर इस लेक्चर को ठीक से देख लिया तो। अभी बता रहा हूं मैं फिर से, क्लियर हुई है बात? अच्छा जी, अब इनफाइनाइट पे तो भेजना नहीं है। मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया, बोले चलो 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 और आगे चलो, यहां पे आ गए बी पॉइंट पे, यहां पे वर्क हो गया डब्ल्यू बी। बताओ कौन सा वर्क ज्यादा, यहां तक लाने में ज्यादा होगा, यहां तक लाने में ज्यादा होगा? सर यहां तक लाने में ज्यादा होगा। अब हमारे घर का एक पॉइंट ये है, हमारे घर का दूसरा पॉइंट ये, इनफाइनाइट तो चलो मान लो कहां, क्या पता कहां रहा होगा, ये चार्ज यहां पर आ गया क्यू नॉट। तो सर डब्ल्यू बी में से अगर डब्ल्यू ए को माइनस करा दें तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, यहां से यहां तक कितना वर्क डन हुआ, मान लो यहां तक 50 हुआ था, यहां तक 70 हुआ था, तो इसके बीच में कितना हो गया 20। हायर कौन सा, ये वाला, लोअर कौन सा, ये वाला। अभी टेम्परेचर बता रहा था, चाय का कप बता रहा था भाई साहब, चाय का कप कितने पे था 70 पे, और ये कितने था 25 पे, डिफरेंस कितना था 45, और हायर से लोअर की तरफ हीट निकलनी शुरू हो गई थी, कंपेयर कर लेना। तो यहां से यहां तक लाने में 70 हुआ, यहां से यहां तक लाने में 50 हुआ। मान लो ये मेरा है कहना चाहिए, मान लो कि चार्जर का पॉइंट है, ये फोन का पॉइंट है, चार्जर के पॉइंट पे 70 है और जहां मैंने फोन लगाया हुआ है वहां 50 है, तो करंट जो है वो इधर से इधर जाने लगेगी भाई साहब। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनफाइनाइट से कंपेयर कर रहे हो यानी कि जीरो से ग्राउंड लाइन से, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को बोलते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करती है। अगर दो बॉडी को सेम पोटेंशियल पर रख दो, चाहे तुम 1 करोड़ वोल्टेज रख दो, 10 की पावर 6 वोल्ट, 10 की पावर 6 वोल्ट, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस है जीरो, ना करंट इधर जाएगी ना करंट इधर आएगी। इस पे बैठ के खाना खाओ, डांस करो, कुछ नहीं होने वाला। मान लो एक वायर है, मैंने इस पे कहानी बनाई थी, एक वायर है, इसे कर दिया 10 की पावर 5, मान लो सही है 1,00,000 वोल्ट, 10 की पावर 5, पकड़ के लटक गया भाई साहब जीरो करंट। जैसे ही इसको 10 की पावर 4 करा, समझ रहे हो, और इधर है 10 की पावर 5, इधर डिवाइड करो, 10 वोल्ट का करंट इधर आने लगेगा, इधर से इधर 10 वोल्ट।
सही है, वोल्ट भी समझा देंगे। वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 10 जूल पर कूलाम, यानी कि एक कूलाम जो इधर से करंट जाएगा उसमें 10 जूल एनर्जी होगी, ये इसका असली मतलब है, वो भी सीखेंगे सीखेंगे। तो सपोज कर लो मैंने जैसे इधर 10^4 किया या 10^3 किया, कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। भाई साहब उठा के बिठा देगा ये आपको, तुरंत वहीं पे तुम्हारा काम हो जाएगा। और 10^2 कर दिया गलती से तो 1000 वोल्ट, 220 वोल्ट आता है हमारे घर में, वो स्विच में जो आपके स्विच लगे हुए हैं 220 वोल्ट पे, देख रहे हैं क्या हो जाता है। तो ये था इसका मतलब कि इन्फिनिटी से अगर मैं कुछ चार्ज लेके आऊं, मान लो मैं लेकर आया 10 कूलाम चार्ज, और यहां से यहां तक मेरा काम हो गया मान लो 500, यहां से यहां तक बी वाले पॉइंट तक 50 वोल्ट, और यहां से यहां तक मैं लाया था तो हुआ था 400, ठीक है। तो 400 यहां पे हुआ था मान लो, 400 और यहां पे हुआ था 500, चार्ज तो मेरा वही है। अब मैं 1 यूनिट क्यों मान रहा हूं वो बता दे रहा हूं, 400 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 कूलाम पे निकल के आ जाएगा, यानी कि 40 जूल पर कूलाम, और ये भी 50 जूल पर कूलाम। अब यार ये काम जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है अलेसेंड्रो वोल्टा, अलेसेंड्रो वोल्टा। उनने कहा हम क्या बारात में आए हैं यार, जूल अपना नाम ले गया, कूलाम अपना नाम ले गया, हम क्या कर रहे हैं यहां पर। तो उसने कहा जूल पर कूलाम को आज के बाद मेरे नाम से नाम जाना जाएगा वोल्ट, अलेसेंड्रो वोल्टा, वोल्ट आ गया भाई साहब नाम, जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम 1 वोल्ट, मतलब 1 कूलाम में अगर 1 जूल एनर्जी आ रही है तो 1 वोल्ट है। कहते हैं ना वोल्टेज स्लो आ रहे हैं यार, घर पे बोलते हैं वोल्टेज स्लो आ रहे हैं, किसी ने कहते हैं वोल्टेज तेज आ रहे हैं, बहुत तेज आ रहे हैं वोल्ट, चीजें फूक गई शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो इसका मतलब समझा, तो मान लो अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 220 जूल पर कूलाम, 1 कूलाम जो चार्ज आ रहा है, और 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम पढ़ लो ना इतना, बस काम ही हो जाएगा। तो 1 कूलाम में 220 जूल एनर्जी भरी पड़ी है, किसी दिन आया 100 वोल्ट पे करंट, वही 1 कूलाम चार्ज, यानी कि वही 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन है 1 कूलाम में, पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, देख लेना। लेकिन इस बार 100 जूल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उतना ही है लेकिन एनर्जी कम हो गई है, तो चीजें कैसे चलेंगी प्रॉपर। ये इसका असली मतलब है भाई साहब, कोई समझ तो ले। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात, क्लियर हो गई, डेफिनेशन बना लो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्योंकि इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो जीरो था, तो यहां तक जितना हो जाएगा 50 - 0 50 ही आ जाएगा। अब द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, मान लो यहां तक 400 जूल हुआ था, यहां तक 500 जूल, तो इसके बीच में तो 100 ही जूल हुआ ना 1 कूलाम पर, तो ये हो गया 100 वोल्ट। कहां से किधर की तरफ, ये 500 ये 400 इधर से इधर की तरफ जाएगा करंट, यानी कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से, आ गई वही बात, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है बच्चों, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट। क्लियर हुई बात, क्योंकि हायर पोटेंशियल तक ज्यादा वर्क हुआ होगा, लोअर पोटेंशियल तक कम, तो जितना इधर एक्स्ट्रा वर्क हुआ है उसी वर्क का, यानी कि 1 कूलाम में उतनी ही एनर्जी लेके भाई साहब चल पड़ेंगे ये 500 400, और चार्ज था मान लो 1 कूलाम तो 100 वोल्ट हो गया बेटा, ये 2 कूलाम है तो 50 वोल्ट हुआ होगा फिर। क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई है, उम्मीद तो मुझे यही लग रही है, कभी कभी इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने में डर ये लग जाता है कि हमारे बच्चों को बात समझ में आ पाएगी कि नहीं, कोई एक ऐसा बच्चा तो होगा ही, कोई एक ऐसा बच्चा तो मिलेगा ही जो देख के ये खुश तो होगा, और उसी एक बच्चे के लिए, सारे भी हो सकते हैं, उसी एक बच्चे के लिए शायद ये वीडियो है, आप भी हो सकते हैं वो। तो इतनी मेहनत पर बस एक कमेंट दे दीजिएगा कि सर हाँ मेहनत तो किए हो, समझ में आया है टॉपिक, एक चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इनफाइनाइट पे जीरो होती है बता दिया है हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वर्क डन होगा मान लो डब्ल्यू ए, और जितना चार्ज होगा उससे डिवाइड कर लेना, तो वो हो जाएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही एनर्जी डब्ल्यू ए एनर्जी इसमें यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से छोड़ दोगे वापस भाग जाएगा, और जो भागेगा वही करंट है, यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू बी हो गया, क्यू नॉट चार्ज, पॉइंट है बी, तो तुम कहोगे सर वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, वर्क डन का डिफरेंस, लेकिन चार्ज अगर 1 कूलाम है और चार्ज अगर 5 कूलाम हो तो जितना चार्ज है उससे कर दो डिवाइड, ठीक है। तो अब देखिए ये रहा,
तो ये हो गया डब्ल्यू बी वाई क्यू और ये हो गया डब्ल्यू ए वाई क्यू, चार्ज तो उतना ही है। तो ये हो गया V का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और ये हो गया A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो B से A वाले को माइनस करा दें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सवाल आया कि 200 वोल्ट से 300 वोल्ट से करंट 200 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपको जो वोल्टेज यूज करनी है वो बेटा 100 वोल्ट यूज करनी है, डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट। और अगर वो एक ही आ रहा क्वेश्चन में लिख के आएगा कि भैया 250 वोल्टेज है, तो वो उन्होंने डिफरेंस करके दिया है आपको, यानी कि माइनस करके दी हुई है, और 90% क्वेश्चन कहना चाहिए वोल्टेज की फॉर्म में याद है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और एक पॉइंट पर दिया है तो वो है सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इनफाइनाइट से कंपेयर किया जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब जीरो वाली लाइन। अरे महाराज, उम्मीद तो है बेटा समझ में आ गई होगी बात। तो एक तो ये हो गया नॉर्मल समझाने के लिए, वैसे फॉर्मूला ये हो गया आपका वर्क डन, मतलब इन दोनों के बीच में मान लो जो भी डिफरेंस है वो डब्ल्यू हुआ डिवाइडेड बाई चार्ज, ये सिंपल फॉर्मूला। लेकिन असली बात देखी जाए तो यही है वोल्टेज का डिफरेंस, सही है बेटा। अब इसकी काम की बातें सुन लो, तो एक डिवाइस से इसको मेजर करते हैं, एक डिवाइस से इसको मेजर करते हैं एग्जाम्पल। अब एक बात और बताता चलूं, मान लो ये सर्किट है, सर्किट वर्किट तो तुम बनाने सीख ही गए होगे, वरना आगे आने वाले लेक्चरों में निपटाएंगे। ये है हमारा एक बल्ब, बल्ब का एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। एक और आगे रेसिस्टर लगा दो, अभी सीखोगे बात तुम, बहुत सारी बेसिक बातें हैं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में बहुत बढ़िया आएगा, चिंता ही कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस बल्ब के जो दो पॉइंट हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। अब सुन लेना, जैसे मैंने बताया था करंट एक क्रॉस सेक्शन पर होती है, पिछले वाले लेक्चर में बताया था करंट एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रही होती है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जा रही है, बट वोल्टेज दो पॉइंट के बीच में होगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पॉइंट को सुन लेना, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आंसर इज जीरो। पहला पॉइंट भी यही है, दूसरा पॉइंट भी यही है, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, माइनस कराओगे जीरो आंसर। क्लियर हो गई बात, एक ही पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। अब जब भी जैसे मैं बोलता था ना करंट का मैं नाम लूंगा तो क्या बोलूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे ही जब भी मैं वोल्टेज का नाम लूंगा तो मैं बोलूंगा वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट हो गए, इसके बीच की मुझे वोल्टेज मेजर करनी है, तो एक डिवाइस आएगा वोल्ट मीटर, जिन दो पॉइंट के बीच की मेजर करनी है उसको वहीं पे लगा देना, प्लस वाला टर्मिनल प्लस से, माइनस वाला माइनस से। ये हो गया वी का इसका साइन है। अब देखो इसमें दो बातें मैं आपको, जैसे मैंने मीटर के बारे में दो बातें बताई नहीं, जोमेटो जोक पिछले लेक्चर का याद होगा तुम्हें, तो वोल्टेज जो होगी या जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा। देखो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इसमें दो रास्ते एक ही पॉइंट, जब दो चीजें, दो चीजों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज पर लगाओ, मतलब एक कॉमन पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर है और एंड पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है। ऐसा नहीं मैथ की तरह पैरेलल दिख रहे हैं वो, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां से करंट जब आएगी तो करंट कंफ्यूज ही आ जाएगी कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, तो आप क्या चाहोगे यार, मैं तो बल्ब में करंट भेज रहा हूं, बल्ब में जाए सारी करंट, पता लगे 2 एम्पीयर करंट थी, 1.5 इधर चली गई, 0.5 ऊपर चली गई, वो वापस यहां भी बल्ब को तो नहीं मिली बेचारे को, तो हम चाह रहे सारी करंट सर्किट में जाए, वोल्ट मीटर में ना जाए करंट। इस वजह से जो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, हिंड्रेंस, इसका रेसिस्टेंस इतना हाई कर दो कि जैसे करंट इधर जाने की कोशिश करे उधर से चनकट पड़े, चल इधर से चल तू निकल, यहां पे तेरा कोई काम नहीं है, तो बेचारी वापस इस सर्किट में चली जाए। तो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस वो बहुत ही हाई होता है। यार मैं कोशिश करता हूं ना लेक्चर की ड्यूरेशन कम रखूं, डिटेल में पढ़ाता हूं तो फिर बस बात में बह जाता हूं मैं, क्या ही बताऊं अब आपको, 34 मिनट का लेक्चर हो चुका है, सोचा था 20 मिनट में पोटेंशियल डिफरेंस को निपटा दूंगा, खत्म करूंगा मामला, अब पढ़ लो यार, मजा आ रहा है तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया साल फिर हमेशा के लिए हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस में दिक्कत नहीं आई कभी भी। तो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो हाई होगा, सो दैट इट कैन नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। आंसर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई अ वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेसिस्टेंस, जैसे मीटर का था लो रेसिस्टेंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं ये आपको बता रहा हूं कि व्हाई अ वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेसिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेसिस्टेंस सो दैट इट कैन नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। क्यों हम लॉस करवाएं करंट का, क्यों भेजें उधर, पहली बात हो गई। दूसरी, वोल्टेज को दो, वोल्टेज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाई, बिकॉज वोल्ट मीटर
मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. जिनके दो पॉइंट के जिनके बीच में नापना होगा, सीरीज में कैसे लगा दोगे यार? समझ में आ रही है बात? सीरीज में तो सेम मामला ही गड़बड़ा जाएगा, तो पैरेलल में इसको लगाना पड़ेगा. तो दो बातें याद रखना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जबकि अमीटर था सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अमीटर का रेसिस्टेंस लो था और इसका रेसिस्टेंस हाई है. कई बार ये भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, अमीटर सीरीज में लगेगा और रेसिस्टेंस लो होगा. क्लियर हुई ये बात? ही बात तो ये तो मैंने आपको इसी वाली बात बता दी, वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो होता है. अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट, एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस? यार स्थिति बता, वोल्टेज का फॉर्मूला सर, वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जितना वर्क डन हुआ है पता लगे. अगर जीरो लाइन से बात कर रहे हैं तो यहां तक डब्ल्यू है, यहां तक डब्ल्यू बी, तो हमें यह करना पड़ेगा फिर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए. ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है वर्क डन का, कीप इट इन योर माइंड. तो 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, मान लो 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में 1 जूल का वर्क अगर हो रहा है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट. फिर ये लिख दो मैथमेटिकली. क्लियर हो रही है बात? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हो गया खत्म. बहुत बढ़िया, करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. कौन से करंट का, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? है सर ये क्या पूछ डाला, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ या नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करते सर. अरे क्या कह दिया. सुनो एक और कंफ्यूजन, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन, मार्केट में तगड़ा सवाल, सुनना ध्यान से. सपोज कर लीजिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, प्रोटॉन तो कर ही नहीं सकते, सही है. यहां पर है 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर है 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पे चार्ज है 0, यहां पे चार्ज है 0. क्लियर से सुनना बात, बहुत बढ़िया एग्जांपल अपना बनना है ये भैया, देसी एग्जांपल है. 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, चार्ज -1 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, चार्ज +1 हो गया. अरे वाह, आया तो इलेक्ट्रॉन था लेकिन प्लस चार्ज उधर क्रिएट हो गया. या मैंने ये कह सकता हूँ, अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर फ्लो कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज रियल में फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन देखो ना फिर आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन के आने से ही आया. लेकिन हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चल रहा है फ्लो. मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ -2 तो यहाँ +2, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ -3 यहाँ +3. क्लियर है? अब सुनो ध्यान से काम की बात, सही है बेटा. अच्छा, यानी कि जिधर नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का अगर देखें हम, देखें अगर इमेजिनेशन में, तो उल्टा फ्लो हो रहा है, हालांकि करता नहीं है वो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप बढ़ जाता है. तो हमारे पास एक है ये वायर, सुन ले पहले, सही है, और यहाँ पर है हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट और यहाँ पर है 10 वोल्ट. तो सर इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो 10 वोल्ट हो गया, ये वाला हायर ये वाला लोअर. सर करंट इधर जाएगा कौन सा? भाई साहब समझा देता हूँ करंट इधर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने को करंट मानते हैं कन्वेंशनली, लेकिन वो करता नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन किधर होंगे? इधर. अब सुनना बात, ये है हायर पोटेंशियल, क्लास 10th में सवाल देखा है भाई साहब मैंने, ये हायर पोटेंशियल, और ये है लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल. तो याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो. अब दुनिया में टीचर पढ़ाते रहे कि भाई साहब जो हमारे करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं. रटाए रहो भैया, रटा दो सबको, हम क्या करें फिर, बात तो बतानी नहीं है किसी को. तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या नेगेटिव चार्ज, उस पे भी आएंगे भी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा. बेटा याद रख लेना एक बात, ये यानी कि करंट का फ्लो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को माना गया लेकिन वो रियल में करता नहीं है. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो खुद ही चला ही जाएगा ना, बताया ना. सर्किट वाइज देखो, प्लस माइनस, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, ऑब्वियसली बात है, माइनस तभी आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन कम होंगे.
तो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, यानी कि हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना मान रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा। हाँ सही बात है। तो ये है पॉजिटिव चार्ज यानी कि आई। कन्वेंशनल करंट, द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज टू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पर पोटेंशियल हाई होता है प्लस वाले पर, यहां पर पोटेंशियल लो होता है। तो नेगेटिव चार्ज अभी मैंने बताया था लोअर से हायर की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इस बात को नोट कर लो, नोट्स बनाओ, ये भाई साहब नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सारी बातें मैंने आपको इससे रिलेटेड बताई दी हैं। अगले लेक्चर में करंट के, चार्ज के, इसके होंगे न्यूमेरिकल। एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि जो पिछला चैप्टर था उसमें मैंने करंट की यूनिट्स नहीं बताई थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एम्पेयर हो गया, एक छोटी यूनिट्स भी होती है मिली एम्पेयर। एम को स्मॉल से लिखेंगे और ए को कैपिटल ए से लिखेंगे। 1 मिली एम्पेयर में 10^-3 एम्पेयर होते हैं, यानी कि 1000th। और एक होता है माइक्रो एम्पेयर, अगर कहीं करंट आ जाती माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट करने को, तो 10^-6 यानी कि 6 बार। क्या ही लिखूँ अब, 1,000,000 ऐसे ही समझ जाऊँ। माइक्रो एम्पेयर को अगर एम्पेयर में करोगे तो 10^-6 मल्टीप्लाई में लगा लेना, या 1,000,000 से डिवाइड कर लेना। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में करोगे 1,000 से डिवाइड कर लेना, या मल्टीप्लाई में 10^-3 लगा लेना। और एम्पेयर से इधर आओ तो उल्टा कर लेना, 10^-6 से मल्टीप्लाई और इधर 1,000 से मल्टीप्लाई। तो ये दो छोटी छोटी यूनिट्स थी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर या जो मेहनत हुई है आज ज़बरदस्त वाली, वो समझ में आया होगा। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इतना लेक्चर लंबा बन जाएगा, लेकिन वो फिलो में होता चला गया। तो बल्कि तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा एंड तक, अब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब बच्चे पूरा लेक्चर देखेंगे, लेकिन उम्मीद है, पूरी भरोसा है, भरोसे पे दुनिया कायम है। और मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में, बिलीव इन योरसेल्फ। तो वो दिन भी आएगा जिस दिन बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे और देखेंगे कि किसी इंसान ने क्लास 10th में इस लेवल पे पढ़ाया हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को नीड है वहाँ तक ये वीडियो लेक्चर पहुँच जाए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ख्याल रखिए अपना, पेरेंट्स का अपने ख्याल रखिए, और बहुत पोलाइट रहिए, पेरेंट्स से बहुत पोलाइट रहिए। बहुत उम्मीदें उनकी आपसे बंधी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। अब जो सपने खुद वो पूरे नहीं कर पाते हैं, वो आपके अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो देखते हैं। तो उनकी उम्मीदों को मत ज़ाया करिए। हर दिन उन्हें लगना चाहिए कि ये जो लौ हमने जलाई है हर दिन बढ़ती जा रही है, और एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। आपकी कामयाबी पर दिल से खुश होने वाले और आपसे ज़्यादा खुश होने वाले पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही हैं। बाकी फ्रेंडशिप ट्रू भी होती है, फेक भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ फिर कामयाबी आती है तो दोस्ती में फिर जलने वाले दोस्त पैदा हो जाते हैं, जलन आ जाती है, जेलसी आ जाती है। तो माँ बाप और गुरु ही एक ऐसा रिश्ता है, गुरु और माँ बाप ही समझ लीजिए एक ऐसा रिश्ता है। ये दो ही लोग हैं दुनिया में जिनसे आगे आप निकलते हैं तो वो खुश होते हैं, वरना दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अपने से आगे निकलते हुए देखे और खुश हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।